मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक में कभी वीडियो बनाऊंगा, बट मजबूरी है भाई, बनाना पड़ रहा है, बनाना पड़ेगा। आप सब जानते ही हो, जो भी कमेंट्स आता है वीडियो के नीचे मेरे चैनल में, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करता हूं। एंड मैंने एक ट्रेंड देखा है, कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि कैन वी कीप एक्वेरियम विदाउट ऑक्सीजन। मैं हमेशा सोचता था कि ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एंड यू नो जनरली रिप्लाई कर देता कि नो यू कैन नॉट कीप, बट वो क्वेश्चन आते रहता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना दे। एंड अपोलॉजीज, जो थंबनेल मैंने डाला कंफ्यूजिंग है, बट आज उसका भी ट्रेंड चालू है ना, नो CO2, नो फिल्टर, नो वाटर चेंज का जो वीडियोस का ट्रेंड चालू है, तो सोचा मैं भी डाल दूं नो ऑक्सीजन करके। जितने भी लोग गलती से भी ये सोचते हैं कि एक्वेरियम में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं एक सिंपल सा नुस्खा बताता हूं, प्लीज ट्राई करना। प्लीज कहीं पे भी बैठो, शांति से बैठो, आराम से बैठो, सोफा पे बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठो, अपने बेड पे बैठो, नो प्रॉब्लम, और नाक बंद करो, हवा ना जाए, वो भी बंद करो। एंड देखो कि कितना देर तक बिना सांस लिए आप टिक सकते हो। जो आप सांस लेते हो आपको दिखता नहीं है, उसमें ऑक्सीजन है। एंड ये कुदरती नियम है कि कोई भी जीव बिना ऑक्सीजन का जिंदा नहीं रह सकता, या ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। ये कुदरती नियम है। इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, छोटी सी बात है, वी ब्रीद ऑक्सीजन टू लिव, स्कूल में तीसरी क्लास या दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो मैं हमेशा सोचता कि ये कंफ्यूजन क्यों है कि एक्वेरियम में ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, फिश के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं। हाँ, कुछ फिश है जो ऊपर आके पानी के ऊपर से हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, बट फिर भी उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिश जब तक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में तब तक वो मैनेज करेगा, बट ऑक्सीजन कम होते ही वो तकलीफ में आएगा, प्रॉब्लम में आएगा। कैसे प्रॉब्लम्स में आएगा मैं बताने वाला हूं, ओके, देखते रहो, एंड इवेंचुअली मर जाएगा। सो ऑक्सीजन होना जरूरी है। कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, सी इसके लिए कोई मेजर नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक्चुअली है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक करने के लिए फैंसी मशीनरी है, बट हॉबी में उसका जरूरत नहीं है। अगेन बहुत सिंपल है, मैं समझाने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो 8.3 पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन होना जरूरी है मिनिमम, कोई भी जीव को एक्वेरियम में जिंदा रहने के लिए 8.3 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होना जरूरी है। बट वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप अपने मछली को देखो, पूरा स्टोरी बता देगा ना। एक बैलेंस्ड एक्वेरियम में, बैलेंस्ड का मतलब, ठीक है, फिश ओवर स्टॉक नहीं है, आप ओवर फीड नहीं कर रहे हो, जितना जरूरत है उतने ही फिश है, अच्छा प्लांट्स है, या अगर प्लांट्स नहीं है, प्लेन एक्वेरियम है या बेयर बॉटम एक्वेरियम है, फिर भी ओवर स्टॉक नहीं है, ओवर फीडिंग नहीं हो रहा है, तो मैनेज हो जाएगा। एंड अगर आपके पास एक फिल्ट्रेशन है और वाटर सर्कुलेट हो रहा है, तो देन एयर पंप या ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। बट अगर ये सब चीजें नहीं है, तो देन एक ऑक्सीजन पंप होना जरूरी है, बिकॉज आपका ऑक्सीजन कम होते जा रहा है। बेसिक साइंस जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक एक्वेरियम में कि ऑक्सीजन कम है, वो क्या है। इसके लिए अगर कोई ऐसा चीज होता जहां पे ऑक्सीजन कम होते ही साइरन बजने लगता, मजा आता, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है कि ऑक्सीजन कम हुआ है। एंड इसका फर्स्ट साइन है कि आपका फिश जो नेचुरली एक्टिव है वो स्लो डाउन हो जाता है, घूमना फिरना कम हो जाता है, खाना खाना बंद हो जाता है, जाके एक साइड में बैठ जाता है और उसका ब्रीदिंग हैवी हो जाता है,
हैवी ब्रीदिंग हो जाता है, गैस्पिंग, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. वो जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो पानी में वो लेने का कोशिश कर रहा है. एंड फाइनली वो ऊपर आके गैस्प करेगा, हवा से लेने का कोशिश करेगा. नाउ ये पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज जैसे गोल्ड फिश वगैरह या कोई भी फिश, अगर आपका आदत लग जाता है तो खाने के टाइम में ऊपर आके ड्रांस करते हैं, वो गैस्पिंग नहीं है. ठीक है, जब पानी गंदा है नॉर्मली आप जब नहीं भी आते हो तो ऊपर आके गैस्प कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मात्रा कम है आपके टैंक में. ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई मीटर वीटर का जरूरत नहीं है. आपको एक्वेरियम देखते ही, फिश देखते ही समझ में आ जाएगा, पानी क्लाउडी है, मिल्की है, धुंधला है, तो ऑक्सीजन कम है बिकॉज अमोनिया ज्यादा है. ग्रीन एल्गे है पानी में, या पानी ग्रीनिश हो चुका है या गंदा दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कम है. पानी में डस्टी है वो, बिकॉज आपने वाटर चेंज नहीं किया है, तो ऑक्सीजन कम है. सो नाउ ऐसे सिचुएशन में करें क्या, इमरजेंसी एक्शन या फर्स्ट एड क्या होगा? सो नाउ आपका पानी गंदा है एंड आपका फिश ऊपर गैस्प कर रहा है, तो इमीडिएटली ऑक्सीजन इंक्रीज करो या बढ़ाओ. एयर पंप नहीं है, फिल्टर है, तो सर्कुलेशन बढ़ाओ. 50% वाटर चेंज करो, नया वाटर डालो. नया वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है तो वो डालो, एंड क्लोरीन रहित पानी डालो. एंड ये आपको टाइम देगा, समय देगा कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको. एंड एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाए पानी में? पहला, ओवर क्राउडिंग, मतलब छोटे टैंक में जरूरत से ज्यादा फिश होना. ओवर क्राउडिंग बोलते हम लोग, समझो ये एक 45x45x45 क्यूब है, इसमें एक 12-13 मछली है बट दिखते नहीं है बिकॉज वो जंगल में अंदर है. बट अगर हम 100 मछली डाल दें तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, एंड जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में वो मछली ले लेंगे. सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप लिफ्ट में बंद हो, पूरा लिफ्ट भरा हुआ है लोगों से और लिफ्ट जाम हो गया, तो सोचो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होगा. सेम चीज आपके ओवर क्राउडेड एक्वेरियम्स में हो रहा है. एंड ये ओवर क्राउडिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. छोटे टैंक में दुकानदार बोलता है कि आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, आप भी मजेदार कलरफुल, चलो ले लो करके भर देते हैं, एंड फटाफट मछली मरने लगता है. ऐसा भी सिचुएशन होता है कि आपका टैंक अच्छा चल रहा है, जो बायोलोड है या फिश है वो करेक्ट है, आप कुछ सोच के नया 4-5 मछली लेके आते हो और वो बैलेंस चेंज हो जाता है, फटाफट नए मछली या पुराने मछली मर जाते हैं बिकॉज ओवर क्राउडिंग हो जाता है, बायोलोड ज्यादा हो जाता है. दूसरी पॉइंट, अगर आप हायर एल्टीट्यूड में रहते हो, ओके, मतलब कोई हिल स्टेशन में रहते हो, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम रहता है एंड एयर पंप यूज करना अच्छी बात है. यस, अगर आप लो लेवल में रहते हो और टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी के एरियाज में रहते हो, तो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम रहता है अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा है तो. नाउ ये मेजर अगेन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप फिश को ऑब्जर्व करें तो बेहतर होगा, एंड आप फटाफट रियलाइज कर सकते हो कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है. नाउ और भी पॉइंट्स है, एंड ऑक्सीजन करेक्टली कैसे बढ़ाना है, क्या यूज करना है, मैं बताता हूं, देखते रहो. अगर आपके टैंक में स्थिर पानी, ओके, बिना मूवमेंट का, आपके पास फिल्टर नहीं है, एयर पंप नहीं है, कुछ नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर है, तो ऑटोमेटिकली उसमें ऑक्सीजन कम होगा बिकॉज फिश आपका पूप एंड पी कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी गंदा हो रहा है एंड ऑक्सीजन कम होते जा रहा है. ठीक है, तो सही एयर पंप या ऑक्सीजन जनरेटर होना जरूरी है, अच्छा फिल्टर हो तो भी जरूरी है. ये टैंक में ऑक्सीजन एयर पंप नहीं है बट हमारे पास फिल्ट्रेशन अच्छा है, तो वाटर सर्कुलेट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऊपर सरफेस एजिटेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है पानी में, तो वाटर मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ऑलरेडी ये बात बोला है बट फिर भी, अगर आपका टैंक गंदा है, सी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, नो वाटर चेंज, नो फिल्टर, ये वो फलाना डिमका, अब वो जो कहते हैं भाई, बट आप करेक्टली समझो, वैसे वाले टैंक्स में बायोलोड बहुत कम होता है.
अननेसेसरी ओवरक्राउडिंग नहीं होता। सो अगर आपका टैंक का पानी धुंधला है, गंदा है, ठीक है, स्मेल आता हो, तो ये भी ऑक्सीजन कम होने का एक सिचुएशन है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप ओवर फीड कर रहे हो, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। मछली ज्यादा, फीडिंग ज्यादा, और अगर मछली नहीं खाया एंड वो फूड जाके नीचे बैठ जाता है तब भी सेम प्रॉब्लम, फॉस्फेट बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा। सो पानी साफ होना जरूरी है। ऐसे ही 35 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और मैं ये नहीं बोलता हूं कि पानी साफ रखो, टाइम पास में थोड़ी ना बोलता हूं। अब मेरा खुद का टैंक ऐसा है, मैं टाइम लेके सेट करता हूं, साइकिल करता हूं, क्वारंटाइन करता हूं फिश को, अच्छे से एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में जाके मछली डालता हूं ताकि उनको सही एनवायरमेंट मिले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लाइव प्लांट्स। जितने भी लोग प्लांटेड एक्वेरियम रखते हैं उनको ये पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है, या प्लांटेड एक्वेरियम रखना चाहते हैं। नाउ प्लांटेड एक्वेरियम में होता क्या है, दिन में या जब लाइट होता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये कुदरती है। बट रात में जब अंधेरा होता है प्लांट्स उल्टा करते हैं, जो उनके सिस्टम में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाता है। तो अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम यूज करते हो तो रात में आप फिल्टर उठाओ, थोड़ा एजिटेशन क्रिएट करो, सरफेस एजिटेशन, या एक छोटा सा एयर पंप ही डाल दो, बहुत फायदे में रहोगे। बहुत सारे एक्वास्केपर्स ये करते भी हैं। ये ट्रिक अमानो साहब ने भी बताया था कि लिली पाइप, ये जो फिल्टर है उठाओ, फिल्टर का पाइप उठाओ ताकि रात में ऑक्सीजनेशन होते रहे एंड फिश को तकलीफ ना हो, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स छोड़ते हैं वो निकल जाए बाहर, बिकॉज सरफेस एजिटेट हो रहा है, एंड अंदर ना रहे, टैंक के अंदर, पानी के अंदर ना रहे। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मानोगे नहीं बट जितने भी आप फालतू के केमिकल्स यूज करते हैं, बिना मतलब के केमिकल्स यूज करते हैं, ब्लू मेडिसिन, ये वो जो दुकान में लेके आके आप डालते हो, ठीक है, काफी सारा है, स्ट्रेस हील, स्ट्रेस जाइम, ये वो फलाना डिमका, बहुत कुछ है, ये सब आपके टैंक में ऑक्सीजन कम कर रहा है। केमिकल चीजें यूज मत करो। ज्यादातर इंपोर्टेड कंपनीज आपको केमिकल्स बेच रहे हैं, इसका वीडियो अलग से बनेगा, ओनली केमिकल्स आता है, केमिकल्स कुदरत में काम नहीं करता है। अगर करता होता तो हमारे जितने भी रिवर्स वगैरह है कंटामिनेट नहीं होते इंडस्ट्रियल केमिकल्स के वजह से। आप वही गलती कर रहे हो अपने टैंक में। मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे आप सिर्फ सॉल्ट या बेसिक नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करके आप अपने एक्वेरियम को फर्स्ट क्लास रख सकते हो। देखो हमारे वीडियोस देखो, न्यूट्रोफिट प्लस, टेक काम, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो नेचुरली फिश को हैप्पी करता है, हेल्थी करता है। अननेसेसरी केमिकल्स यूज मत करना। एक एयर पंप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सहूलियत से अपने बजट में आप खरीद सकते हो, बिकॉज मैं जानता हूं 200 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक एयर पंप मिलता है। 200 रुपए वाला आवाज करता है, घर करता है, बट 10,000 रुपए वाला साइलेंट होता है। मर्जी आपका, आप जो मर्जी लो, बट एक एयर पंप हमेशा बैकअप में रखो। एंड जहां पे आपका करंट जाने का ज्यादा प्रॉब्लम है, रेगुलरली लोड शेडिंग होता है या करंट जाता है, तो एक एसीडीसी मतलब बैटरी वाला एयर पंप रखो जो चार्ज हो जाता है जब करंट है, एंड जब करंट नहीं है तो बैटरी पे चलता है, एसीडीसी एयर पंप बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो आप लाके रखो। अच्छा फिल्ट्रेशन होना, सही मात्रा में ऑक्सीजन होना आपके फिश के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके मन में वो क्वेश्चन आता है क्या ऑक्सीजन चाहिए क्या, या आपके कोई हॉबीज दोस्त होंगे आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका नाक बंद कर देना, या आप अपने आप नाक बंद करके देखो कि कितने देर तक टिकते हो। ऑक्सीजन हर एक जीव के लिए जरूरी है, फिश हो, एलिफेंट हो, टाइगर हो, ह्यूमन हो, इंसेक्ट हो, ऑक्सीजन जरूरी है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है इस धरती पे जो बिना ऑक्सीजन का जी सके, पीरियड। ओके, सो आशा करता हूं कि ये वीडियो के इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगा।
बिकॉज मैं हमेशा सोचता था ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, बट मुझे लगने लगा है कि लोग अपना स्कूल का पढ़ाई भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो से आपने ये बात जाना सीखा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। भाई साहब प्लीज एक अच्छा फिल्टर रखो, एक एयर पंप रखो, आपके फिश को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, ठीक है, मतलब उनको हेल्थी और हैप्पी देखना आप भी तो चाहते हो, ठीक है। सो जल्दी मिलेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो वगैरह बन रहा है, बहुत अमेजिंग आइडियाज आप देखने वाले हो, आप हमेशा देखते रहोगे, मजा लेते रहोगे। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।